तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज की अपनी जो राइड है वो हम बाइक पे लगाएंगे। हमने बहुत सारी राइड, पिछली राइड्स कार में लगाई थी, बट ये वाली राइड जो अपनी है वो बाइक में लगेगी। और अगर आपको पता हो तो बहुत दिनों बाद अपनी राइड बाइक में लगने वाली है। आई थिंक लास्ट राइड हम लोगों ने लगाई थी जो पोलो फॉरेस्ट थी, तो ये बहुत दिनों बाद बाइक पे राइड आएगी। और आज की जो राइड है अपनी, हम जाने वाले नल सरोवर। नल सरोवर यहाँ से अहमदाबाद से 120 किलोमीटर है मेरे घर से। तो आज मतलब कल जाएंगे, आज का मैं अपना टाइम दिखा देता हूँ एक बार। गाइस, अभी टाइम हो चुका है 8:30 रात के, और हम नल सरोवर कल सुबह जाएंगे। बाइक लेके मैं आज रात को निकलूंगा, कंपनी में नाइट शिफ्ट है मेरी, तो नाइट शिफ्ट रुकूंगा वहाँ पे। और कल सुबह फिर वहाँ से मेरी कंपनी से नल सरोवर 30 किलोमीटर जीतना है, तो वहाँ से फिर नल सरोवर जाएंगे, वहाँ घूमेंगे और फिर वापस कल सुबह घर आ जाएंगे। तो आपको मिलते हैं सीधा बाइक पे। तो फाइनली हम लोग घर से निकल चुके हैं और मैंने पेट्रोल भी डलवा लिया और अपना ट्रिप मीटर भी जीरो सेट हो चुका है। तो यहाँ से सबसे पहले जाएंगे कंपनी, आज के दिन मेरी नाइट शिफ्ट है वहाँ पे, और फिर कल सुबह 7 वहाँ से निकलेंगे नल सरोवर के लिए। नल सरोवर मेरी कंपनी से 30 किलोमीटर से, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो कल सुबह अप्रोक्स 8 हम पहुँचेंगे नल सरोवर। बहुत दिनों बाद बाइक की ट्रिप लग रही है अपनी, अंदर से बहुत ही खुश हूँ मैं आज। और अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हो मैं कहाँ जा रहा हूँ, अपनी कौन सी ट्रिप कहाँ लगने वाली है नेक्स्ट ट्रिप, क्योंकि अभी वीडियो आने वाली है, तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी नीचे आ रही होगी, तो प्लीज़ मुझे फॉलो कर लीजिए। वीडियोस का शूट होते एक दो दिन एडिटिंग में लग जाते मुझे और बाद में वीडियोस आते हैं, बट इंस्टाग्राम पे हर रोज़ जहाँ जहाँ अपडेट रहता हूँ मैं, जहाँ जहाँ अपना प्लान होता है वहाँ वहाँ तुरंत मैं अपडेट कर देता हूँ। सो यू विल गेट एग्जैक्ट आइडिया। और भैया, हमें यहाँ पे थोड़ा रुकना पड़ रहा है अभी, क्योंकि अभी हाईवे शुरू होने वाला है और ठंड बहुत ही ज़्यादा हो रही है। तो मैं अपने ग्लव्स निकाल के पहन लेता हूँ सेफ्टी के लिए। मोटो व्लॉगर की ज़िंदगी भाई ऐसी ही होती है, बहुत सारी चीज़ें साथ में लेके चलना पड़ता है। ये रहे अपने ग्लव्स, इसको पहन लेते हैं अभी और फिर आगे बढ़ते। ओके, सो रेडी नाउ। सबसे पहले सेफ्टी और फिर राइडिंग। ये पीछे जो गया अभी सर्किट गया, और अभी ये राजकोल वाला हाईवे यहाँ से चालू हो जाएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कुछ भी कमेंट करिए, लेकिन आप करते ही नहीं कमेंट। अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का, और अंदर से कुछ हिम्मत होती है कि मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वीडियो डालूँ, अच्छी जगहों पर घूमूँ और आपको भी दिखाऊँ। और कल जो हम जाने वाले नल सरोवर, ये बहुत ही स्पेशल जगह है। अगर आपको मालूम नहीं तो मैं बता दूं, ये गुजरात की सबसे बड़ी बर्ड सेंचुरी है ये। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से, फॉरेन से बहुत सारे बर्ड्स आते हैं विंटर में,
और इसका जो टाइमिंग रहता है सुबह का, स्पेशली सुबह का ही टाइमिंग रहता है। सुबह आप 6 बजे जाओगे, 6, 7, 8, 10 बजे तक, तो आपको ये अलग अलग बर्थ देखने को मिल जाएंगे। तो मैंने वैसे ही प्लान किया, क्योंकि आज मेरी नाइट शिफ्ट थी, तो मैं नाइट में निकला हूँ, नाइट रुकूँगा, ड्रॉप करूँगा और फिर जाएंगे हम बर्ड सेंचुरी नल सरोवर। ये वीडियो मेरी जो भी देख रहे हो गाइस, आप लोग कहाँ से हो ये कमेंट करके बताओ मुझे। गुजरात से हो आउट ऑफ गुजरात, अगर गुजरात से हो तो कौन सी सिटी से हो, तो मुझे भी पता चले मेरी जनता कहाँ से। तो गाइस हम लोगों ने जो अभी अभी बावला क्रॉस किया यहाँ से, और यहाँ से अभी भी मुझे 5 किलोमीटर आगे जाना है। तो यहाँ पर चाय अच्छी मिलती है, तो चाय पी लेते हैं यहाँ पर, देन निकलते आगे। सो गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन। और अभी मैं कंपनी में ही खड़ा हूँ, और अभी यहाँ से अपनी राइड फिर से शुरू करते और निकलते नल सरोवर के लिए। सो फाइनली हम लोग अभी रोड पे आ चुके हैं, और आगे से मुझे और 2 फ्रेंड मिलने वाले हैं, आगे से मेरी कंपनी के ही कलीग है, तो हम 3 लोग मिलकर जाएंगे। और गाइस ठंड बहुत ही मस्त बढ़ रही है अभी, ये देखिए खेत आजू बाजू में सारे खेत ही खेत है। सुबह सुबह राइडिंग करने का मज़ा ही कुछ अलग है, ठंड तो है लेकिन साथ में मज़ा भी बहुत आ रहा है मुझे। राइडिंग के लिए विंटर से जैसी कोई सीज़न नहीं होती। समर और मानसून दोनों दिक्कत वाली हो जाती है सीज़न राइडिंग के लिए, बट विंटर में आपको डबल मज़ा आता है। ओह माय गॉड, स्लो 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 स्लो, टायर टायर। कैंसफील भी गाइस यहीं पर है, 9 किलोमीटर आगे कैंसफील है, यही है उसका गांव, देह गामड़ा। वो भाई हमें यहीं पे मिलेगा, ये गांव रहा, यहाँ से आएगा वो, और ये उसकी शॉप है, यहाँ पे खड़े रह के वेट करते उसका। और गाइस अपने दोनों दोस्त भी आ चुके हैं, और आगे जेंट्स मिले भी आएगा, मेरा एक टाइम मेरे पीछे बैठा हुआ है, आगे बाइक लेकर गया वो। गाइस कैन स्पीड है, ये जो आप देख रहे हैं राइट साइड, और नल सरोवर यहाँ से 17 किलोमीटर अभी भी। और यहाँ पे चाय पी लेते हैं, और अपना दोस्त भी यहीं पे खड़ा है सामने ट्रिप लेके। नल सरोवर यहाँ से अभी 1 या 2 किलोमीटर रह गया है, और रास्ते देखिए आप, बहुत ही सुंदर रास्ते। ये वाला जो रास्ता है गाइस, यहाँ से राइट अगर जाओगे आप तो वीरम गांव जाओगे, सांग वीरम गांव। और गाइस अभी हम अंदर घुस रहे नल सरोवर में, उभा रख से। उभा रख से। हाँ
टिकट वगैरह नहीं चाहते तो अपना बाइक पर चले चलो भाई अपना काम हो गया यहाँ पे। अगर अंदर आना तो टिकट लेनी पड़ती है, बट जान पहचान वाले थे जो मेरा दोस्त आया साथ में, जान पहचान वाले थे तो अंदर ऐसे ही जाने दिया, टिकट की ज़रूरत नहीं है अभी, लकीली टिकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। पहले यहाँ से टिकट लेनी होती है ये विंडो से, और फिर यहाँ से आपको बिठाते हैं और फिर अंदर ले जाते हैं। टिकट अभी 300 रुपये की मिल रही है और बहुत ही बड़ा एरिया है। बर्ड्स अगर आप अंदर जाओगे 1-2 किलोमीटर तब आपको दिखेंगे अलग अलग वैरायटी के, बाकी यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा बर्ड्स मुझे यहाँ से नहीं दिख रहे। जैसे जैसे आप अंदर जाओगे वैसे वैसे आपको बर्ड्स दिखेंगे यहाँ से। और फाइनली अपनी टिकट आ चुकी है और हम अभी जा रहे हैं इसमें। क्या क्यों टिकटों का गुंजम लेकिन वाला जो है ये पूरा टापू है। यहाँ पे हम जहाँ से बैठे थे वहाँ से वो 2-2.5 किलोमीटर लेके आते पानी में और फिर यहाँ पे छोड़ते। वो जो आपको शोर दिख रहा है वो छोर उस तरफ छोड़ा था हमें, चल के हम यहाँ तक आए और यहाँ पे फिर से पानी शुरू हो जाता है। तो ये पूरा एरिया बहुत बड़ा एरिया है ये वाला। बाकी आप फैमिली के साथ आ सकते हो पिकनिक के लिए। यहाँ पे मैगी काठियावाड़ी सब कुछ मिलता है खाने के लिए, भी चाय वाय सब कुछ, चाय कॉफ़ी। और यहाँ से कुछ बर्ड्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर मैं आपको कुछ नाम बताऊँ तो फीजेंट, पेलिकन, ब्राह्मिन डक्स, सीगल, ये सारे बर्ड्स आपको दिख जाएंगे यहाँ पे।
सो गाइस फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे ऑलमोस्ट एक घंटा निकाल दिया और यहाँ पे हमने खाना भी खा लिया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे हमने खाना भी खा लिया, बहुत ही अच्छा खाना मिलता है। एक डिश का 200 रुपया और देसी काठियावाड़ी गुजराती खाना मिलता है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे आते हो ज़रूर ट्राई कीजिए। हम लोगों ने खा लिया, बहुत ही मज़ा आया और हम यहाँ से निकलेंगे अपनी बोट में। तो गाइस फाइनली हम लोग बाहर आ चुके हैं अभी और बहुत ही बढ़िया मज़ा आया। 1.5-2 घंटा हमने यहाँ पे बिताया। एक बार मैं आपको दूसरी बार दिखा देता हूँ, यहाँ से देखिए। तो बलते हैं सीधा बाइक पे। फाइनली हम लोग अभी सांड पहुंच चुके। ये सांड सिटी है और यहाँ से सरखेज आई थिंक 15 या 17 किलोमीटर है कुछ। और सांड से नॉर्थ सरोवर 32-35 जितना था कुछ। यहाँ से अपन ले गए राइट। और गाइस ये देखिए हम अहमदाबाद एंटर कर चुके हैं अभी। और ये जो नया ब्रिज बना है इससे हम नीचे जाएंगे, नीचे की तरफ। अब ये कौन सी स्कूटी है? एंटॉर्क लगती है, एंटॉर्क। यस, लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एंड एग्रेसिव। नंबर भी भाई ने बढ़िया लिया है, 001XL1111। तो दोपहर को 2 बजे में घर आया, फिर खाना खा के सो चुका था, तो सीधा 6 बजे उठा हुआ क्योंकि पूरी नाइट थक चुका था। और अभी टाइम ही आपको दिखा देता हूँ, पहले अभी क्या टाइम हुआ है। अभी देखिए 9:30 हो चुका है, रात का 9:30। तो रात का 9:30 हो चुका है और अपना वीडियो यहीं पर एंड कर दें। आप कमेंट बताइए क्या क्या आपको अच्छा लगा। और फिर से बताता हूँ, वहाँ पे जाने का टाइमिंग 7 से 10 बजे तक अगर आप जाते हो तो आपको बहुत ही बढ़िया मज़ा आने वाला है। बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत सारे बर्ड्स मिल जाएंगे आपको, पानी भी अच्छा खासा है और टिकट वहाँ की 300 रुपये पर पर्सन है। तो अच्छी जगह है, आप फैमिली के साथ प्लान करिए, जाइए घूमिए, मज़ा करिए। और अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और अगर आप यहाँ तक रुके हो तो थैंक यू वेरी मच। अपनी नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। वंस अगेन थैंक यू।